दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो RAC टिकट के बारे में एक एक चीज़ें जानते हैं? आप लोग में से काफ़ी लोग कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है। RAC टिकट मतलब एक सीट जो है वो दो लोगों को मिलती है और दो लोगों को शेयर करके जाना होता है। तो मैं कहूँगा ये पूरा सच नहीं है। चलिए जानते हैं RAC के बारे में ऐसी खास बातें जो यकीनन आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। तो दोस्तों, RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जैसा कि फुल फॉर्म से आपको पता लग ही गया होगा कि जैसे जैसे लोग कैंसिल कराते जाएंगे टिकट, तो RAC वालों को कंफर्म सीट मिलती जाएगी। तो अब आप पूछेंगे, अगर RAC है तो क्या वो कंफर्म नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल, RAC सीट भी कंफर्म है, लेकिन RAC में आपको पूरी सीट ना मिल करके, फुल बर्थ ना मिलके आपको हाफ सीट मिलेगी। और ये साइड लोअर वाली सीट होती है, ये दो लोगों को अलॉट करी जाती है। और दोस्तों, RAC टिकट में एक और खास बात भी है। RAC टिकट बुक किस तरह करी जाएगी? तो बुक करने का इसका कोई खास प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल उसी तरह बुक होती है जैसे नॉर्मल टिकट बुक होती है। जब नॉर्मल टिकट खत्म हो जाती है तो रेलवे ऑटोमेटिकली कुछ टिकट्स को RAC में बुक करता है जो उसकी अलॉटेड होती हैं। उसमें कुछ करना नहीं होता, नॉर्मल तरीके से ही बुक होगी। अब RAC में आपके क्या क्या अधिकार हैं ये भी जान लीजिए। RAC टिकट में आपका सबसे पहला अधिकार ये है कि अगर कोई भी बंदा ट्रेन में एब्सेंट हो जाता है, कोई भी पैसेंजर ट्रेन में एब्सेंट हो जाता है या कुछ जो सीटें खाली रह जाती है, तो वो सीट सबसे पहले RAC वालों को अलॉट करी जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे ही आप ट्रेन में चढ़िए और जब भी TT आपका आए टिकट चेक करने, उससे कह दीजिए कि सर मेरा RAC टिकट है, कोई भी सीट वेकेंट हो, वेकेंट मतलब खाली हो, या कोई भी बंदा एब्सेंट हो, तो आप प्लीज़ सबसे पहले मुझे दीजिएगा। ये कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं कहते, और TT जो होते हैं वो रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, वो आप जैसे पैसेंजर्स को, लाखों पैसेंजर्स को रोज वो देखते हैं, उनका रोज का काम है ये। तो फेस सीटिंग करके ये गेस कर लेते हैं कि अच्छा, इस बंदे को शायद सही से रूल्स या सारी इतना जागरूक नहीं है, इसे सारे रूल्स नहीं पता हैं। तो TT लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों ने डायरेक्टली, जो बिना टिकट वाले लोग हैं, जो पहले से बिना टिकट वाले लोग हैं, जो वो पैसे दे करके TT को पहले से पटा लेते हैं, तो वो उन्हें वेकेंट वाली सीट या एब्सेंट वाली सीट उन्हें पहले दे देते हैं। जबकि नियम ये है कि RAC वाले पैसेंजर्स को सीट पहले देनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर RAC वाला ये सिस्टम है तो WL क्या होता है? तो RAC के बाद जब RAC सीट भी खत्म हो जाती है, तब वो वेट लिस्ट वाली टिकट में बुक होता है। तो जैसे जैसे लोग टिकट कैंसिल कराएंगे, वैसे वैसे पहले RAC वालों का शिफ्ट होता होते कैंसिल होगा, मतलब उन्हें फुल बर्थ मिल जाएगी। हाफ बर्थ तो श्योर है, हाफ बर्थ तो आपकी श्योर है, लेकिन वो फुल बर्थ में भी कंफर्म हो सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या कंफर्मेशन चांसेस है RAC का, RAC कंफर्म होगी कि नहीं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन पहले टिकट बुक कराया और आपका RAC नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका RAC 50 नंबर है और आपने 10 दिन, अभी आपकी ट्रेन जाने में 10 दिन का समय है, तो मान के चलिए कि आपकी टिकट काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकती है। लेकिन आपका फॉर एग्जांपल RAC 100 नंबर है, 110 नंबर है, और मान लीजिए 2 ही दिन का समय बचा है, तो आपके कंफर्म होने के चांस कम है। आशा करिए कि आपका RAC 20 या 25 या 30 पे आकर के अटक जाएगा और आपको हाफ बर्थ मिलेगी। आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये था RAC टिकट के बारे में सारी जानकारी। अगले वीडियो में मैं WL, RLWL, PQWL और TQWL, इन सब के बारे में मैं कवर करूंगा कि ये सब क्या होता है और ऐसी स्थिति में आपको टिकट बुक करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है, कृपया करके वो रेड वाला बटन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो यही आने वाला है कि RAC टिकट किस तरह बुक किया जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।